साइमन कमीशन। ये कमीशन सर जॉन साइमन के लीडरशिप में बाय द ब्रिटिशर्स इंडिया भेजा गया। इस कमीशन को इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर एडवाइस करने के लिए भेजा गया था। पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वाई इंडियन अपोज साइमन कमीशन, तो ये जो कमीशन था इसमें एक भी इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया गया, और इसी वजह से इस कमीशन को क्या किया गया, अपोज किया गया बाय द इंडियंस। और इंडियंस का कहना था कि आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें क्या एडवाइस करेंगे जब आप हमें ही इस कमीशन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो कहां से आएगा इस कमीशन के अंदर। और इस कमीशन में जो है सारे वाइट्स थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे, तो दैट इज व्हाई दिस कमीशन इज आल्सो नोन एज वाइट्स कमीशंस। तो इन लोगों ने, इंडियंस ने इस कमीशन को क्या किया, अपोज किया इन अ मैनर ऑफ सेइंग स्लोगन्स गो बैक साइमन और ब्लैक फ्लैग्स भी दिखाए। उस टाइम पे जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। तो इन्होंने सोचा कि इस सिचुएशन को अब मैनेज कैसे किया जाए, सारी चीजें इनके हाथ से उस टाइम निकल रही थी, तो ही प्रपोज डोमिनियन स्टेटस टू द इंडियंस। जैसा कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो 100 रुपए की डिमांड कर रहा है और आप उसको वहीं पर बहुत देर जिद करने के बाद 50 रुपए दे दो, तो वो क्या हो जाता है, एकदम से खुश हो जाता है। तो ऐसा ही ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के साथ किया कि उनने बोला कि हम आपको क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। और अक्टूबर 1929 में ब्रिटेन के अंदर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम आपको पार्टिसिपेट करने का मौका दे देंगे। तो जो पुराने टाइम के जो मॉडरेट लीडर्स थे, तो देवर वेरी हैप्पी बाय गेटिंग दिस डोमिनियन स्टेटस कि अब हम क्या करेंगे, इसमें सेल्फ रूल कर पाएंगे। तो डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस का जो मीनिंग है दैट इज सेल्फ रूल, मतलब ऑटोनॉमी। ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, डोमिनियन स्टेटस बोलकर इंडियंस को ऑटोनॉमी दे दी कि अब आप अपना प्राइम मिनिस्टर बनाइए, आप अपने लीडर्स को खुद से इलेक्ट करिए, आप अपनी गवर्नमेंट बना लीजिए, सब कुछ आप अपना खुद से कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के अंडर में रहकर। तो जो मॉडरेट्स थे वो तो इनकी बातों में आने के लिए रेडी हो गए, लेकिन उसी टाइम पर कुछ यंग लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी एंड श्री सुभाष चंद्र बोस, इनने इस लॉलीपॉप को लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और इन दिसंबर 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या डिक्लेयर किया, पूर्ण स्वराज मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस।